So we'll start with the questions straight away. So a porter lifts a suitcase weighing 20 kg from the platform. So maan lo platform pe khada hai ek porter. Porter samajhte ho, pulley hota hai basically. और ये जो नीचे एक सूटकेस रखा है, इस सूटकेस को उठा के वो अपने सर पे रखना है उसको। तो उठा के जब सर पे रखेगा, राइट, तो उसको कितना हाइट से उसको लिफ्ट करना होगा, जितना उसका हाइट एच है, सो ऑन हिज हेड 2 मीटर अबव द प्लेटफॉर्म। तो जो एच है हमारा, कितने हाइट पे लेके जाना है, 2 मीटर हाइट तक लेके जाना, ठीक है। इसका जो मास है, दिस इज इक्वल टू 20 kg, राइट। सो पोर्टर लिफ्ट्स अ सूटकेस वेइंग 20 kg फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 2 मीटर अबव द प्लेटफॉर्म। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पोर्टर ऑन द सूटकेस। अब देखो, इसमें जब इसको उठा रहा होगा ये पोर्टर, तो ऊपर एक फोर्स एफ लगा रहा होगा और इसका जो वेट है सूटकेस का mg के बराबर लग रहा होगा। सो बेसिकली वो उतना ही फोर्स लगा रहा होगा जितना वेट है ना उसको उठाने के लिए। उससे ज्यादा एक्सेलरेट करके तो रखना नहीं है, उसको आराम से उठा के रखना है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से ही उठा के रखेगा। तो हम लोग ये मानते हैं कि एफ जो फोर्स पॉटर लगा रहा है उस पर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू mg। सो एफ विच द पॉटर इज अप्लाइंग ऑन द सूटकेस इज इक्वल टू mg। वर्क डन इज इक्वल टू, सो वर्क डन by the porter on the suitcase so work done by the porter on the suitcase is equal to mgh. so mg is equal to 20, g ka value 9.8, और ये 2 मीटर से ऊपर ले जाना, ठीक है। सो 20 × 9.8 × 2 करेंगे, जूल्स हो जाएगा। दिस इज द वर्क डन बाय द पोर्टर। यही अगर आपसे पूछता वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है, नीचे के तरफ mg लग रहा है और हाइट क्या है, ऊपर के तरफ है, राइट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, हाइट है ऊपर। अब ये दोनों क्या है आपस में, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, cos 180 डिग्री -1 होता है, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क डन बाई ग्रेविटी विल बी इक्वल टू -mgh। सो विच इज इक्वल टू -20 × 9.8 × 2, ये क्या हो जाएगा, -392 जूल्स। क्लियर है? तो ग्रेविटी के वजह से नेगेटिव होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर हो रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन पॉटर जब फोर्स लगा रहा था तो उसका जो फोर्स एफ के तरफ लगा रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर के तरफ ही हो रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट के फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, फोर्स के ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने की चीज है कि तुम लोग को, कि अगर वर्क डन बाय पॉटर निकालने बोला है तब क्या होगा, या वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने बोला है तब क्या होगा। हर जगह जहां भी वर्क डन निकालने बोला, -mgh करके आंख मूंद के नहीं लगा देंगे, है ना। ध्यान रखना कि क्या चीज बात कर रहा है, किसके किसके द्वारा वर्क डन निकालने बोल रहा है, मतलब वो कुली जो वर्क डन कर रहा है वो निकालने बोल रहा है, या फिर जो सूटकेस का वेट है उस वेट के वजह से जो वर्क डन है वो निकालने। क्लियर है बच्चों? यस सर। क्लियर? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन है, एन एलिवेटर वेइंग 500 केजी इज टू बी लिफ्टेड अप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव एन एलिवेटर, ओके,
So there is an elevator. It is being lifted up. So the mass of the elevator M is equal to 500 kg. So, and it is to be lifted up at a constant velocity. V jo hai yahan pe, constant velocity, 0.2 meter per second. What would be the minimum horsepower of the motor to be used? So basically kya hai ki motor jo hai isko upar ki taraf push kar raha hai. तो फोर्स कितना लगा रहा होगा, बिकॉज ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो जितना इसका वेट रहा होगा एमजी, उसी के बराबर फोर्स लगा रहा होगा मोटर इसको ऊपर ले जाने के लिए. तो फोर्स अप्लाइड बाय मोटर, ओके, फोर्स अप्लाइड बाय मोटर इज इक्वल टू एम इंटू जी. So force applied by motor is mg. So that means 500 into 9.8. अभी इतना ही रहने देते हैं. और ये जो हमें पता है पावर, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. सो फोर्स है हमारा 500 इंटू 9.8, वेलोसिटी है 0.2. 500 into 0.2 करेंगे तो 100 हो जाएगा into 9.8, which is equal to 980 watt. So ये 980 watt हो गया. अब minimum horsepower, so power in HP is equal to 980 by 746, ठीक है, क्योंकि 1 watt is equal, sorry, 1 horsepower is 746 watt, तो इसको अगर horsepower में निकालना है, तो 746 से divide कर लेंगे, so 980 divided by 746 कर लेंगे, 1.31, so this is the power of the motor which is required. लिख लिया बच्चों? यस सर. थर्ड, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुल्ड अप ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री. तो ये ब्लॉक है, इट इज पुल्ड अप. इसका मास m इज इक्वल टू 2 kg हो गया, एंड इट इज पुल्ड अप ओवर दिस स्मूथ इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री. नीचे की तरफ इधर जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, mg
साइन 30 डिग्री, है ना, वेट की वजह से जो फोर्स होगा. इफ द ब्लॉक मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स लगाने की वजह से इसका जो एक्सेलरेशन है दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So if the block moves with an acceleration of 1 meter per second square, find the power delivered by pulling force at a time 4 second after the motion start. तो तुमको instantaneous power जब t is equal to 4 second होगा तब तुमको एक power निकालना है, और दूसरा average power निकालना है delivered during the 4 second after the motion start. मतलब t is equal to 0 से t is equal to 4 seconds तक जितना एवरेज पावर है, मतलब जितना फोर्स लग रहा है इनटू वेलोसिटी पूरे इसमें, मतलब एवरेज पावर विल बी टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन. इसमें 4 सेकंड में जितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट विल गिव यू एवरेज पावर. इंस्टेंटेनियस पावर के लिए 4 सेकंड पे जो वेलोसिटी है फोर्स इनटू वेलोसिटी कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर. अब हम लोग यहाँ पे So, अगर along the incline हम लोग बात करें तो फोर्स F माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma होगा. ऊपर की तरफ फोर्स F लग रहा है, नीचे mg sin थीटा लग रहा है, और दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इससे हम लोग को F का वैल्यू निकल जाएगा, राइट. सो F माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma. सो द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू mg sin theta plus of ma. तो हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में क्या निकालना है, ठीक है, पावर डिलीवर्ड बाय पुलिंग फोर्स, मतलब f के द्वारा पावर डिलीवर्ड निकालना है. f का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं इससे. सो दिस इज मास 2 है, g 9.8 है, sin 30 डिग्री प्लस 2 × 1. 2 × 9.8 × 1/2 + 2. So this is 11.8 newton. Force निकल गया. Now at t is equal to 4 second, v क्या होता है, u plus at होता है. अब देखो क्या कह रहा है, if the block so ठीक है. After the motion starts, मतलब u का वैल्यू जीरो है, राइट. इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, u जीरो हो गया, तो v इज इक्वल टू a इनटू t, और v a क्या है, 1 है, टाइम 4 सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड हो गया एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड. तो अब जो है इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स है हमारा 11.8, वेलोसिटी है 4, सो 47.2, सो 11.8 × 4 करेंगे, सो दिस इज 47.2 वाट. अब एवरेज पावर निकालना है. एवरेज पावर क्या होगा, टोटल वर्क डन बाय टाइम टेकन. वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. फोर्स है हमारा 11.8, डिस्प्लेसमेंट निकालना है. डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो है जीरो, दिस इज हाफ इनटू एक्सेलरेशन जो है 1 × 4 × 4, 16/2 = 8 हो गया. सो एवरेज पावर इज इक्वल टू 11.8 × 8 डिवाइडेड बाय 4. So this is 23.6 watt. Clear?
अच्छा एक मिनट है ना, आई जो लिख लिया बच्चों, लिख लिया? यस सर। समझ में भी आ गया? आ गया ना समझ में? यस सर। अब देखो ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है फोर्स एफ इज इक्वल टू 10 + 0.5 x एक्स ऑन अ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड एक्स इज इन मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। एक पार्टिकल है या ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है ना इन द एक्स डायरेक्शन ओनली। सो एफ इज इक्वल टू 10 + 0.50 x, ये फोर्स का वैल्यू है। और मान लो डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज इक्वल टू x मीटर, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 10 + 0.5 x। अब देखो बिकॉज ये फोर्स जो है ना, फोर्स जो है मान लो ये x डिस्टेंस पे जब था तब कितना फोर्स था ये निकाल रहे हैं। मान लो इसमें डिस्प्लेसमेंट dx हुआ है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर dx हुआ है तो उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन होगा, दैट इज 10 + 0.5 x इंटू dx कर देंगे तो ये हमें dw निकल के आ जाएगा, स्मॉल वर्क डन, राइट? व्हाई? बिकॉज द फोर्स इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा फोर्स भी चेंज करेगा, फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है। तो स्मॉल डिस्टेंस dx में जितना वर्क डन है पहले वो निकालेंगे और बाद में फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके फाइनल वर्क निकालेंगे। तो जीरो से w तक इंटीग्रेट किया और x का वैल्यू 0 से लेके 2 मीटर तक इंटीग्रेट करना। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन w इज इक्वल टू, ये आप निकालोगे 10 dx इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट और यहाँ पे 0.5 x dx इंटीग्रेशन 0 से 2। वर्क डन w इज इक्वल टू 10 dx का इंटीग्रेशन 10x हो गया और लिमिट 0 से 2 प्लस 0.5 x² / 2 लिमिट 0 से 2। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 10 × 2 - 0 प्लस
0.5/2 into 2² - 0² So work done W is equal to 10 × 2 = 20 हो गया plus 0.5 × 4/2 हो गया. So this is work done is equal to 21 joule. Is it clear? क्लियर है बच्चों? यस सर. लिख लिया आपने? यस सर. सर मेरे को अभी भी थोड़ा सर इंटीग्रेशन में डाउट आ रहा है, लाइक हो नहीं रहा मुझसे इंटीग्रेशन थोड़ी. मैं तुमको क्या समझ में नहीं आया ये बताओ. सर लाइक वो जो फॉर्मूला होता है वो सर वो एक तो याद भी नहीं रहता और फिर सर जब अप्लाई करता हूँ तो सब सर अलग सी कैलकुलेशन का अलग आंसर आ जाता है फिर मेरा. पहले तो फॉर्मूला सारे अच्छे से याद करो ना. और एक हम इंटीग्रेशन का अपलोड किए हैं वीडियो, उसको देखो दोबारा एक बार. ओके सर. यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हुए हो ना? यस सर. उसमें जाना, उसमें एक देखना मैथमेटिकल टूल्स करके होगा इंटीग्रेशन करके. तुम हमको अभी क्लास के बाद पिंग कर देना, हम तुमको उसका लिंक दें. सर यूट्यूब चैनल पे है ना? हाँ हाँ है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा ना तुमको कौन सा. तुमको भेज देना, पिंग कर देना, हम लिंक भेज देंगे. तुमको उस दिन भी बोले थे कुछ हमको पिंग याद दिलाने, क्या चीज बोले थे तुमको, क्या डीपीपी चाहिए था, कौन से चैप्टर? सर न्यूटन्स लॉ, मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन अ प्लेन तो याद कहाँ दिलाया तुमको? सर नहीं, फिर वो बाद में मैंने एचसी वर्मा से कर लिया था. ठीक, ये हो गया पूरा? यस. नेक्स्ट वाला है तो वही वो वीडियो देखना एक बारी और उसमें जो फॉर्मूलेज वगैरह है वो करना, उसके बाद फिर भी नहीं बने तो बताना. ओके सर. नहीं आएगा कैलकुलस इज समथिंग बिकॉज तुम लोग मैथ्स नहीं लियो तो तुम लोग को एक तो ऐसे ही एवर्जन है मैथ्स में, मतलब बेसिकली यू गाइज आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट फॉर मैथमेटिकल टूल्स. तो जस्ट ट्राई एंड प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन यू नो इंटीग्रेशन. I'll send you an assignment also which is based on differentiation and integration. You can try that as well. Okay? Okay, sir. Okay, a body dropped from a height h reaches the ground with a speed of 1.2 root under gh. Okay? Jab ground pahuncha to uska ye speed tha. Calculate the work done by air friction. Ab pehle kya nikalo? Dekho, net work done is equal to change work energy theorem क्या कहता है, total work done is change in kinetic energy. So by work energy theorem we have total work done is equal to change in kinetic energy. So work done जो है is equal to change in kinetic energy, मतलब final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final kinetic energy क्या हो जाएगा, half into m into ground पे जब पहुंचा तो velocity ये था v square minus half m u square. ठीक है, इनिशियल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h तो u इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे करोगे तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर मतलब 1.2 का होल स्क्वायर इंटू जी एच हो गया. 1.2 का होल स्क्वायर मतलब 1.44 by 2 इंटू एम जी एच हो गया. इसको कैंसिल करेंगे 0.72 हो गया, मतलब 0.72 mgh हो गया वर्क डन, टोटल वर्क डन. अब आपको निकालना है एयर फ्रिक्शन से वर्क डन कितना है. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी पहले निकालना.
So work done by gravity is equal to mgh हो जाएगा, है ना? h डिस्टेंस ड्रॉप हुआ है तो वर्क डन ग्रेविटी से कितना होगा mgh, है ना? mg नीचे की तरफ ही लग रहा था, h जो है ये भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा mgh. नाउ वर्क डन बाय ग्रेविटी पता चल गया, मान लो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन हमें निकालना है, तो हमने यहाँ पे टोटल वर्क डन निकाल रखा है. सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन. टोटल वर्क डन है हमारा 0.72 mgh, ग्रेविटी से हो गया mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन. Work done by friction is 0.2 mgh minus mgh, which is equal to minus of 0.28 mgh. तो friction से negative होगा, क्योंकि देखो friction किधर लगेगा, ये नीचे गिर रहा है तो friction तो ऊपर की तरफ लगेगा ना, तो यहाँ पे friction force ऊपर है और displacement नीचे हो रहा, तो work done negative ही होगा. वो हमें आया भी है माइनस 0.28 mgh. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर. लिख लो फटाफट. लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बच्चों? यस सर. कह रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अप्लाइंग अ फोर्स एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो देखो ये ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं जो कि कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है horizontal से, ठीक है? The friction coefficient between the block and the surface is mu. तो यहाँ पे जो friction coefficient है इस surface पे mu है. If the block travels at a uniform velocity,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कब मूव करता है? जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब जितना फोर्स लेफ्ट को लग रहा है उतना ही राइट को है, मतलब दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, तभी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा. फाइंड द वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ द ब्लॉक. तो हमें वर्क डन निकालना है जब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी हो गया. सो वर्क डन क्या होता है, फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग एफ कॉस थीटा हो गया, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक इस डायरेक्शन में हो गया एफ कॉस थीटा और इधर हो गया एफ साइन थीटा. ठीक है, हमें निकालना वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स. तो अप्लाइड फोर्स एफ कॉस थीटा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन इज फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा इनटू डी. तो ये वर्क डन है. पहले तो अब हम लोग को एफ का वैल्यू निकालना है. तो देखो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ये बना ही हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम, तो जो टोटल जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे, इसीलिए इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो नॉर्मल रिएक्शन एन प्लस एफ साइन थीटा, जो जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उतना नीचे की तरफ लगेगा, इज इक्वल टू एम जी. सो नॉर्मल रिएक्शन एन क्या हो गया, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, पहला इक्वेशन. दूसरा है, हम लोग अगर लगाएंगे एफ कॉस थीटा, ये म्यू इंटू एन के बराबर, सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग कंबाइन कर लेंगे, एन के जगह इसको लिख दिया, तो हमारा ये हो गया एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, मतलब एम जी माइनस एफ साइन थीटा. सो ये हमारा क्या हो गया, एफ कॉस थीटा म्यू एम जी म्यू एफ साइन थीटा. म्यू एफ साइन थीटा को लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे, सो हमारे पास आएगा एफ इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, एफ को कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू म्यू एम इंटू जी. सो एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. ये एफ का वैल्यू हो गया. वर्क डन हम लोग के पास पता है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन. फोर्स निकल गया, वर्क डन हमारा क्या है, एफ कॉस थीटा को डिस्प्लेसमेंट डी से मल्टीप्लाई कर लो. एफ कॉस थीटा मतलब म्यू एम जी, एफ के जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं म्यू एम जी. सो एफ के जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे तो म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, एफ का वैल्यू हो गया इंटू कॉस थीटा इंटू डी. सो दिस इज म्यू एम जी कॉस थीटा डी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? हो गया बच्चों?
यस सर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिलिंड्रिकल वेसल्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल वेसल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए है, यहाँ पे भी जो सिलिंड्रिकल वेसल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो पहले इसमें इस तरीके से था, यहाँ तक पानी भरा हुआ था, राइट, सो ये इस लेवल पे था और यहाँ पे इस लेवल पे था इस वाले। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, इसको ओपन कर लिया, टू सिलिंड्रिकल वेसल्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कंटेन वाटर अप टू अ हाइट ऑफ एच वन एंड एच टू। इनिशियली इसमें इधर ए वाले में एच वन हाइट तक पानी था और बी वाले में एच टू हाइट तक वाटर था। द वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड सो दैट द लेवल्स इन देम बिकम इक्वल, इसको इंटरकनेक्ट कर दिया, इसको खोल दिया हम लोग, इसको जैसे ही ओपन किया ये दोनों जो है लेवल क्या हो जाएगा, दोनों में बराबर आ जाएगा, यहां तक आ गया। लेट्स अब वो जो लेवल है वो लेवल क्या है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो बेसिकली इन दोनों के बीच का होगा h1 plus h2 upon 2, ये वाला लेवल होगा इसका फाइनल लेवल, जो जो दोनों में बराबर वाला लेवल आएगा दैट विल बी h1 plus h2 by 2। नाउ द वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड सो दैट द लेवल्स इन देम बिकम इक्वल, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द प्रोसेस, द डेंसिटी ऑफ द वॉटर इज रो। तो अब देखो हुआ क्या, ये जो पानी का इतना पोर्शन है वो यहाँ पे आके जब आ गया, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच गया, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो वॉटर है इतना सा, इसका जो पहले तो लेंथ वो निकाल लें, तो एसी, लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल टू टोटल एच वन था उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एच वन प्लस एच टू बाई टू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टू एच वन माइनस ऑफ एच वन माइनस एच टू बाई टू, टू एच वन माइनस एच वन मीन्स एच वन माइनस एच टू अपॉन टू, ये हो गया एसी का लेंथ। Now, mass of water in AC is equal to, इसमें जो AC वाले जो ऐसे इसमें मास निकालना होगा, क्या हो जाएगा, बेसिकली डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू AC का लेंथ, राइट। सो एरिया इंटू लेंथ, मान लो ये L है ना, तो मास ऑफ वाटर इन एसी इज रो इनटू ए इनटू ये जो लेंथ है, दिस लेंथ एल इज इक्वल टू एच वन माइनस एच टू बाई टू, यहां तक क्लियर है ये। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट करके वॉल्यूम निकलता है ना बेटा, तो इसमें जो पानी है उसका हाइट कितना है, एल है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू लेंथ एल कर देंगे तो हम लोग का वॉल्यूम निकल जाएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली वॉल्यूम हो गया इतने से पानी का जो एसी में है, उस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल जाएगा। सो मास ऑफ वाटर इन एसी इतना है और फाइनली वो कितने से नीचे चला गया, एच वन माइनस एच टू बाई टू से ड्रॉप हो गया वो वाटर, वाटर हैज बीन ड्रॉप्ड बाय हाइट एच वन माइनस एच टू बाई टू, सो we have to calculate the work done by gravity so work done by gravity is equal to mgh mass hai hame pata hai rho a h1 minus h2 by 2 into कितने हाइट से नीचे गया है, सेम h1 माइनस h2 बाई 2 हाइट से ही नीचे जा रहा है, यही l लेंथ का जो वाटर है यहाँ चला गया, कितने लेंथ कितने हाइट से नीचे गया, जो l है उसी के हाइट से नीचे गया, सो दिस इंटू g एक रह गया, सो दिस इज रो ए जी एच वन माइनस एच टू बाई टू का होल स्क्वायर।
क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? लिख लिया बच्चों? यस सर। एट क्वेश्चन है, व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड शुड बी गिवन टू द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल सो दैट इट डिस्क्राइब्स अ कंप्लीट सर्कल। तो हमारे पास एक पेंडुलम बॉब है, इसमें क्या हम लोग को इसमें कितना हॉरिजॉन्टल स्पीड v नॉट देना है कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके आ जाए। तो ये बेसिकली वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे ही ये सवाल है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर इसका मास m है तो ये जब टॉप पे जाएगा राइट, तो उसमें दो फोर्स लग रहा होगा, एक टेंशन t लग रहा होगा, इसका वेट w लग रहा होगा। बिकॉज हम लोग को मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड निकालना है तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं टॉप पॉइंट पे टेंशन जीरो। सो फॉर मिनिमम स्पीड टी एट टॉप इज इक्वल टू जीरो, टेंशन एट टॉप इज इक्वल टू जीरो। So, उस केस में मतलब जस्ट जीरो होगा, है ना, जिससे कि ये बस क्रॉस कर जाए विदाउट स्लैकनिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग। सो अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो मतलब जो वेट है दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स। वेट हमारा कितना है, एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी था v, सो एम जी इज एम वी स्क्वायर बाय आर, एम एम कट गया, तो यहाँ पे हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी हो गया, v is equal to root under r zero, right? अब हमें निकालना है कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम एज्यूम करते हैं इज इक्वल टू जीरो, है ना, जीरो वाला पॉइंट है ये। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कहीं पे भी हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसके जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू टोटल
मैकेनिकल एनर्जी एट टॉप, बॉटम पे होगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू, ये लेंथ एल है इसका पेंडुलम का, मतलब रेडियस एल हो गया, तो टोटल ये जो हाइट होगा ये भी एल ये भी एल, तो टोटल ये कितना हो गया 2L हो गया ये हाइट, सो एम जी इंटू 2L बता देंगे, सो दिस इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 2mgL, 2 को कॉमन ले लेंगे है ना, इसको कैंसिल करें, अगर m को कैंसिल करें सो इससे आ जाएगा v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 4gL, ठीक है, v स्क्वायर मतलब r रूट अंडर r g, मतलब g इंटू l, r क्या है रेडियस l के बराबर, तो v स्क्वायर gL है, तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू gL प्लस 4gL, सो दैट मींस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 5gL. क्लियर है बच्चों? सर जो हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जीएल प्लस 4जीएल वाला, तो सर हम उसमें वी स्क्वायर की जगह जीएल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. हाँ जी, वी स्क्वायर यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखा है ना टॉप. हाँ ओ अच्छा ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर, सो इससे वी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर 5जीएल. दिख लिया बच्चों?
लिख लिया बेटा? यस सर। Now a uniform chain of length L and mass M overhangs a smooth table with its two-third part lying on the table. Find the kinetic energy of the chain as it completely slips off the table. So basically क्या है कि एक table है, इस table के ऊपर एक chain रखा हुआ है, उस chain का two-third part टेबल के ऊपर है, वन थर्ड पार्ट ऐसे लटक रखा है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स विड्थ का एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पहले तो ये जो मास है टोटल मास, इसका टोटल मास एम और टोटल लेंथ एल। अब जो dx जो स्मॉल एलिमेंट है उसका मास dm विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ एल इनटू dx, ठीक है। तो m बाय एल मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx कर देंगे तो हमें dm निकल जाएगा। अब once you have got the mass of this small portion, so you will have the potential energy here is equal to ye jo dm mass hai iska agar hum potential energy nikalenge, so this is potential energy du kar lo, du is equal to माइनस, क्योंकि ये देखो ये जीरो पॉइंट से नीचे जा रहे हैं तो इसीलिए नेगेटिव होगा यहाँ पे, माइनस डीएम जो मास है इनटू जी इनटू एक्स जो इसका हाइट है, मतलब जो नीचे डेप्थ है। सो डी यू इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल इनटू जी इनटू एक्स डीएक्स, राइट। अब इसको अगर हम लोग को टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू निकालना है, ये जो हैंगिंग पार्ट है उसका, सो दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे इसको माइनस एम बाय एल जी एक्स डी एक्स, और एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके एल बाय थ्री तक वेरी कर, तो एक्स का वैल्यू जीरो से एल बाय थ्री, क्योंकि एल बाय थ्री पोर्सन ही तो इसके अंदर यहाँ पे इट इज हैंगिंग, राइट। 2l बाय 3 जो टू थर्ड पार्ट है दैट इज ऑन द टेबल 2l बाय 3, और जो हैंगिंग पार्ट है दैट इज l बाय 3। सो यू आई इज इक्वल टू 0 टू l बाय 3 माइनस m बाय l g इनटू x dx। सो यू आई इज इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन एल एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और इसमें जो लिमिट डालेंगे जीरो से एल बाई थ्री विच इज इक्वल टू माइनस एम जी बाय एल इंटू एल स्क्वायर बाय 18, 3 3 9 इंटू 2 18 हो गया, एल और एल कैंसिल हो गया, सो दिस इज माइनस एम जी एल अपॉन 18। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यू फाइनल इज इक्वल टू, जब ये पूरा ये स्लिप कर रहा है नीचे, जब ये बिल्कुल गिरने वाला होगा उस समय पूरा चेन इस तरह से आ गया, मतलब लास्ट पोर्शन भी इसमें से नीचे गिरने वाला है, तो अब इस समय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो उसको इसी में जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस एम बाय एल g into x dx, जो लिमिट अब देंगे वो जीरो से लेके एल तक देंगे, सो दिस इज माइनस एम जी बाय एल इंटू एल स्क्वायर, सो बाय टू, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, ठीक है, इसीलिए एल स्क्वायर बाय टू, सो दिस इज माइनस एम जी एल अपॉन टू हो गया।
अब जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स इनिशियल माइनस फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल. सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस एमजीएल बाय 18 माइनस ऑफ माइनस एमजीएल बाय 2. सो अब एलसीएम अगर हम लोग ले लेते हैं 18, तो ये एमजीएल माइनस एमजीएल बाहर ले लो, ठीक है, या एमजीएल बाहर ले लो, माइनस 1 प्लस 9, सो 8, मतलब 4/9 एमजीएल हो गया. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड हियर. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर. लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर. सो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुश्ड अगेंस्ट अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ अ वॉल. द ब्लॉक कैन स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल एज शोन. The length, natural length of the spring is L naught. तो पहले क्या था, let's say, ये fixed है यहाँ पे. Natural length इसका L naught था. बाद में इसको हम लोगों ने क्या किया, compress करके इसका जो length है वो क्या कर दिया, L naught upon 2 कर दिया length. मतलब ये कितने से कंप्रेस हो गया है, कंप्रेशन इज ऑल्सो इक्वल टू एल नॉट बाई 2. क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? सो दिस इज द इनिशियल पोजिशन, दिस इज द फाइनल पोजिशन. सो एल नॉट बाई 2, दिस इज बेसिकली द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. अब कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ इट्स डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द वॉल. तो अब क्या है कि हम लोग इसका डिस्टेंस मान लो यहाँ पे, जब ये x डिस्टेंस पे है, सो लेट्स से दिस ब्लॉक इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द वॉल. ये वॉल है, वॉल से x डिस्टेंस पे है, उस समय क्या वेलोसिटी है ये निकाल. सो जिस समय ये x पे था उस समय यहाँ पे कंप्रेशन कितना होगा, सो कंप्रेशन इन स्प्रिंग व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वॉल is equal to L naught था. अब जो compression है वो क्या हो जाएगा, L naught minus x हो जाएगा. Total natural length L naught है यहाँ तक, और ये जो है ये x है, तो compression कितना हो गया, ये portion हो गया compression, ये this is equal to L naught minus x. So compression जब हमारा निकल गया यहाँ पे, so in that case by conservation of energy so velocity हम लोग को निकालना है इस moment पे. so by conservation of energy initial potential energy Uh,
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब x डिस्टेंस पे होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगा क्योंकि देयर इज सम कंप्रेशन आल्सो और काइनेटिक एनर्जी भी होगा. इनिशियली जब ये l नॉट बाय 2 पे था तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के इनटू कंप्रेशन l नॉट बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ इंटू के इंटू एल नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गया. सो अब ये हाफ हाफ और हाफ कैंसिल हो गया. सो अब हमें वी स्क्वायर निकालना है तो बेसिकली के इंटू एल नॉट बाय टू का होल स्क्वायर माइनस के इंटू एल नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर. वी स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एम एल नॉट स्क्वायर बाय फोर एल नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर. सो वी इज इक्वल टू रूट अंडर के बाय एम L not square by 4 minus of L not minus x का also. Raise to the power 1 by 2. Clear? क्लियर है बच्चों? यस सर. लिख लिया आपको मैंने? सर बस 1 मिनट. हो गया? हाँ सर हो गया. अब कह रहा है पार्टिकल इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए ऑफ अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक एबीसी. तो यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस ट्रैक एबीसी पे. इट इज पुश स्लाइटली टुवर्ड्स राइट. तो जब आप इसको पुश करोगे तो ये इसके अलोंग यहाँ पे आके इट विल कम टू दिस पॉइंट राइट. Now find its speed when it reaches the point B. तो हम लोगों को इस पॉइंट पे स्पीड निकालना है. इनिशियली स्पीड जीरो था. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी. सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या हो गया एम जी इंटू एच वन प्लस जीरो. यहाँ पे जीरो है ए पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी एट बी एम जी एच टू प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ एम वी स्क्वायर. अब देखो एम 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 कैंसिल हो गया. जी इंटू एच वन वन is equal to g into 0.5 is v square by 2. g का वैल्यू 10 लेने बोला है. सो 10 माइनस 5
10 minus 5 is equal to v square by 2. So v is equal to root 10 meter per second. ठीक है, इसको लिख लो एंड वील स्टॉप फॉर द डे. और दो क्वेश्चन और कराने हैं इसमें से, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे. बाकी जो है हम लोग कल नीट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. ओके ओके सर. सर एक डाउट है सर, लाइक अभी बॉटनी और जूलॉजी की क्लासेस अलग अलग है, तो सर कल कल की टाइमिंग्स क्या होंगी फिर? ग्रुप में मैंने पहले ही लिख दिया है, तुम ग्रुप में ऊपर जाओगे तो अपने आप मिल जाएगा क्या बॉटनी का टाइम क्या. सर वो तो आज की थी ना. अरे बेटा जिस दिन मैंने अनाउंस किया था ना उस दिन भी टाइम बताया था, देखो जाके. ओके सर. ओके सर. टाइमिंग्स तुम्हारी कल वाली वही है, बस एक आधा घंटा एक्स्ट्रा क्लास होगा तुम्हारा. मेरे ख्याल से तुम्हारा थोड़ा पहले स्टार्ट होगा, मेरे ख्याल से 9 बजे से स्टार्ट होगा. एक मिनट चलो मैं तुम्हें भेज दूंगा. ठीक है. ओके सर. ठीक है ना. आई विल सेंड.